दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपने WhatsApp की एक सेटिंग को अप्लाई करके आप अपने WhatsApp को बार बार हैक होने से बचा सकते हो। दोस्तों, अगर आप एक लड़की हो या एक लड़के हो तो आज की वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने WhatsApp अकाउंट को कैसे सेव कर सकते हो, कैसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज। टेक एंड गेम्स से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाए बेल आइकन और पाए हमारे वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मेरे स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, तभी आप समझ पाएंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए, आपको जाना है सिंपली अपने WhatsApp अकाउंट में। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये मेरा एक WhatsApp है और यह अभी बिल्कुल जैसा आपके फ़ोन में WhatsApp होता है वैसे मेरे फ़ोन में है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक थ्री डॉट बटन दिख रही होंगी, थ्री डॉट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सेटिंग ऑप्शन को दिख ही रहा होगा आपको, तो आपको सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, पर आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं जाना, आपको जाना है सिर्फ अकाउंट में। तो चलिए अकाउंट में चले जाते हैं। तो गाइज, जैसे आप अकाउंट के ऑप्शन में चले जाएंगे तो आपको उसमें 5-6 ऑप्शन देंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो ये रहा हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं आपके फ़ोन में भी यही बताएगा कि इसको इनेबल करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। सो गाइज, आपको बता देता हूँ उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपको सबसे पहले इसमें एक जीमेल होना चाहिए, एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए और आपको एक पासवर्ड डालना होगा और आपका काम हो जाएगा। तो हम चलिए इसको इनेबल कर लेते हैं, आपको भी इनेबल ही करना है, तो चलिए हम इनेबल कर देते हैं। दोस्तों, अब ये बोल रहा है कि आप 6 डिजिट यानी 6 नंबरों का एक पिन या एक पासवर्ड डाल दीजिए। तो चलिए मैं इसको अभी सिंपली 1 2 3 4 6 कर देता हूँ। ओके गाइज, अब ये बोल रहा है कन्फर्म योर पिन, दोबारा से हमें वही पिन डालना है जो हमने पहले डाला था। सो गाइज, अब आप देख रहे हैं कि हमने वो पिन तो सेट कर दिया, अब ये बोल रहा है कि प्लीज़ ईमेल आप डाल दीजिए। तो चलिए मैं इसको ईमेल डाल देता हूँ अपना। सॉरी दोस्तों, मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस नहीं दिखा सकता क्योंकि ये मेरी प्राइवेसी का सवाल है। सो गाइज, हमने ईमेल डाल दिया है, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये दोबारा बोलेगा कि कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, तो हम दोबारा उसको पेस्ट कर देते हैं और आप उसको दोबारा नेक्स्ट कर दीजिए। सेव करने के बाद ये फिर आपको बोलेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन इज इनेबल, आपको डन कर देना है। अब दोस्तों, जैसे कि अब आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि आप कभी पासवर्ड भूल गए या कोई दिक्कत आ गई, तो आप इस सेटिंग को डिसेबल भी कर सकते हो और चेंज पिन या चेंज ईमेल एड्रेस भी कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपका ईमेल एड्रेस आपका ख़राब हो गया या डेड हो चुका है या मतलब वो डिलीट हो चुका है, तो आप इसमें एक नया ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो। दोस्तों, अब बताता हूँ इस सेटिंग का आपको फ़ायदा क्या है। गाइज, आपको पता ही होगा यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियोज़ है जो व्हाट्सएप हैकिंग के लिए बनाई गई है। तो आपको क्या होगा, जैसे आपको पता ही होगा कि लोग QR कोड की मदद से भी आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लेते हैं, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, अब इस केस में क्या होगा, अगर वो आपका QR कोड स्कैन कर भी लेते हैं तो आपका व्हाट्सएप सिक्योर रहेगा, वो फिर टू स्टेप वेरिफिकेशन करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका व्हाट्सएप दोबारा कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है। बट आपको आपका पासवर्ड, आपको आपका ईमेल तो पता ही होगा, तो इसका मतलब वो आपका कितना भी हैकिंग करने की कोशिश कर ले, आपका व्हाट्सएप हैक नहीं हो पाएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल ना भूले कि आज की वीडियो आपको क्या अच्छा लगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। दोस्तों, मिलते हैं कल। नमस्कार, बाय बाय और सलामत रहें।